सब्सक्राइबर हाइड कैसे करें और फायदे और इसका नुकसान क्या है और फायदे इसका क्या है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइबर को हाइड करोगे तो आपको बेनिफिट भी है, अगर आप हाइड नहीं करोगे तो आपको नुकसान भी है, और नुकसान क्या होगा फ़ायदा क्या होगा सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप ना करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि सर सब्सक्राइबर हाइड कैसे करें, वो नया बंदा है यूट्यूब पर, उन्होंने नया चैनल क्रिएट किया है। तो मैंने कहा चलो मैं इस पर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा ताकि आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो आज इसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करना है और हाइड करने से आपका क्या बेनिफिट है और उसके बाद में क्या नुकसान है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप ना करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आपको लेके जा रहा हूँ और वहाँ जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप सब्सक्राइबर हाइड करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र यानी क्रोम ब्राउज़र पर आऊँगा अपने मोबाइल के, उसके बाद में आपको यानी थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको पहले इसको डेस्कटॉप साइड में लेना है। डेस्कटॉप साइड पर लेने के बाद में आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है, ठीक है। तो इनका URL है www.youtube.com/dashboard, ठीक है। उसके बाद में आपको यानी आना है, मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपको आना है सबसे नीचे जो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जो चक्री वाला, ठीक है। मैं निशान करके भी बता देता हूँ, ये चक्री वाला मैं जूम भी कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चक्री वाला जो निशान है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में पेज थोड़ा लोडिंग होगा, उसके बाद में मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए जनरल चैनल अपलोड डिफ़ॉल्ट परमिशन कम्युनिटी। तो अब आपको यानी सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ना चैनल, इस पर आपको क्लिक करना। तो मैं चैनल पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके बाद में आपके सामने एडवांस सेटिंग आएगी। तो आपको जाना है एडवांस सेटिंग पर। एडवांस सेटिंग पर जाने के बाद में आपके सामने ऑडियंस से लेकर सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो अब आपको यानी नीचे आना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब्सक्राइबर काउंट, अगर आप यहाँ पर चेक मार्क लगाओगे तो आपके सब्सक्राइबर शो हो जाएंगे, अगर आप यहाँ से चेक मार्क को हटाएंगे तो आपके सब्सक्राइबर यानी हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी हाइड करना और अनहाइड करने का क्या मतलब है, क्या बेनिफिट है, यानी जैसे कि कोई भी कंपनी है जो आपको यानी कुछ ऑफर देती हैं और उनका आप रिव्यू करना चाहते हो कुछ प्रोडक्ट का, तो वो आपके अगर सब्सक्राइबर को ज़्यादा देखेंगे तो वो 100% आपको यानी कुछ ऑफर भी देंगे। और रही बात अगर आपके सब्सक्राइबर जैसे कम हैं तो बहुत सारे ऑडियंस आपके यानी चैनल पर विजिट करेंगे तो वो आपके सब्सक्राइबर को कम देख के यानी वो चले जाएंगे, आपको यानी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और अगर आप सब्सक्राइबर को हाइड करोगे तो कोई भी बंदा आपके चैनल पर विजिट कर सकता है और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो इससे आपका ये भी बेनिफिट है। और उसके बाद में आपको लगता है कि मेरे 50,000 के समथिंग सब्सक्राइबर हो गए, तो उसके बाद में आप सब्सक्राइबर को यानी शो करवा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आप जैसे कि 50,000 के कम यानी 5,000 के समथिंग आपके सब्सक्राइबर हुए तो भी आप उनको हाइड करके रखें ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको तमाम जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई है कि आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड ऐसे कर सकते हैं और अनहाइड भी इसी ऑप्शन पर आकर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन था डिस्प्ले द नंबर पीपल सब्सक्राइबर टू माय चैनल, यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे, ठीक है, तो वो सब्सक्राइबर शो हो जाएंगे, चेक मार्क हटाएंगे तो सब्सक्राइबर हाइड हो जाएंगे। उसके बाद में आपको आना सेव पर, यहाँ पर राइट में ऑप्शन है, उसके बाद में आपको सेव करना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।